ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। इस अध्याय में हम सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एक्सपी के बारे में। विंडोज एक्सपी के अंदर हम सीखने वाले हैं विंडोज स्टार्ट करना, स्टार्ट बटन का प्रयोग करना, विंडो को मूव करना, विंडो का आकार बदलना, विंडो को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, विंडो बंद करना, विंडोज शट डाउन करना और विंडोज को पुनः शुरू करना यानी रीस्टार्ट करना। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर की गतिविधियों को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए, चलाने के लिए विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। उसी में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ एक्सपी। आइए सीखते हैं इसे कैसे स्टार्ट किया जाए। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, सामने इस तरह का स्क्रीन आ जाता है। ये जो स्क्रीन है, इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर नीचे आप देख सकते हैं एक नीली पट्टी है। इस नीली पट्टी पर कुछ बटन हैं। ये कहलाती है टास्क बार। और डेस्कटॉप पर लेफ्ट साइड में आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं आइकॉन्स। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम्स को खोला जाए और स्टार्ट बटन का प्रयोग किया जाए। कुछ प्रोग्राम्स डेस्कटॉप पर इन आइकॉन्स के रूप में यहाँ रखे होते हैं। इनको डबल क्लिक करके आप सीधे खोल सकते हैं, पर सारे प्रोग्राम्स को डेस्कटॉप पर रख पाना मुश्किल होता है। उसके लिए हम स्टार्ट बटन का प्रयोग करते हैं। टास्क बार पर जाइए, लेफ्ट में ये स्टार्ट बटन आपको नज़र आ रहा है, उसे क्लिक कीजिए। इसके क्लिक करते ही ये स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है और जो भी प्रोग्राम्स इसमें हैं उनकी सूची आपके सामने खुल जाती है। ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहले भाग में आप देख पा रहे हैं ये जो आइटम्स हैं, ये आम तौर पर जो आप प्रोग्राम्स शुरू करते हैं या यूज़ में लाते हैं, इनको क्लिक करने से आप सीधे उन प्रोग्राम पर पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आपको इंटरनेट का प्रयोग करना है, आप इंटरनेट पर क्लिक कीजिए, इंटरनेट आपके सामने आ जाएगा। ईमेल पर क्लिक कीजिए और आपका ईमेल प्रोग्राम खुल जाएगा। उसके नीचे ये जो आइटम्स हैं, ये प्रदर्शित करते हैं उन प्रोग्राम्स को जिन पर आपने हाल ही में काम किया है। कंप्यूटर पर आपने जो भी प्रोग्राम्स खोले हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। इस हिस्से में ये जो आइटम्स आप देख रहे हैं, ये आपको शीघ्रता से उन लोकेशंस पर ले जाते हैं जो आप आमतौर पर प्रयोग में लाते हैं। इसके अंदर जो भी आपने प्रोग्राम्स या फाइल्स सेव करके रखी हुई हैं उसकी लोकेशंस होती हैं। मान लीजिए माय कंप्यूटर के अंदर जो भी ड्राइव्स या प्रोग्राम सेव्ड हैं, इसको क्लिक करने पर आप उन लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। इसके नीचे जो आइटम्स हैं, उसके द्वारा आप कंप्यूटर की सेटिंग बदल सकते हैं, आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं, सर्च द्वारा आप कोई भी सूचना ढूंढ सकते हैं या फिर आप प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। और अगर आपको स्टार्ट मेन्यू में से कुछ भी नहीं चुनना है तो आप इसके बाहर आकर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप चला जाएगा इस तरह से। और अगर आपको वो चाहिए तो आप उसे फिर से स्टार्ट बटन पर जाकर के खोल सकते हैं। इसमें से, इस स्टार्ट मेन्यू की सूची में से मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम जो आपका मनचाहा है वो यहाँ पर नहीं है, तो वो आपको मिल जाएगा ऑल प्रोग्राम्स में। नीचे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स में पहुँचिए। जैसे ही आप पॉइंटर इस पर रखेंगे, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर की जो सूची है वो खुल जाएगी। अब अपना मनचाहा प्रोग्राम आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस प्रोग्राम्स की सूची में कुछ प्रोग्राम्स के आगे एरो लगे हुए हैं। उसका मतलब ये है कि उसके अंदर भी कुछ प्रोग्राम्स हैं। अगर आपको उन तक पहुंचना है तो साइड में जो मेन्यू खुलता है उसकी मदद से आप वहां तक पहुंच सकते हैं।
मान लीजिए इसमें आप नोटपैड ढूंढना चाहते हैं। अब इस लिस्ट में आपको नोटपैड कहीं नज़र आ नहीं रहा है, ऐसे में आप ऊपर की तरफ एक्सेसरीज पर जाएं। एक्सेसरीज पर जाते ही आपको दिखेगा कि साइड में एक और सूची खुल जाती है और उस सूची में आप ढूंढें तो ये देखिए यहाँ पर आपको नोटपैड नज़र आ रहा है। पर मान लीजिए अगर आप जैसे ही अपना स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हैं तो आपका स्टार्ट मेन्यू इस स्टाइल का ना हो करके किसी और स्टाइल का हो, तब आप अपने प्रोग्राम्स को कैसे ढूंढेंगे ये अब हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू अलग स्टाइल का है, या आप स्टार्ट पर गए और आपके सिस्टम में इस स्टाइल का स्टार्ट मेन्यू खुलता है। इसमें भी आप देखेंगे कि आपको बाकी सारे प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं पर ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। इस स्टाइल में आपके पास ऑप्शन होता है प्रोग्राम्स का, आप इस पर जाएं और जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो साइड में कुछ प्रोग्राम्स के मेन्यू और खुल जाएंगे। इस लिस्ट में आपको दिख रहा है कि पूरी कंप्लीट लिस्ट नहीं है, सारे प्रोग्राम्स नहीं हैं, तो आप नीचे की तरफ जाएं और इस एरो पर क्लिक करें और ये देखिए पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई। और अगर आपको नोटपैड खोलना है तो उसी तरह से आप एक्सेसरीज पर जाएं और साइड में जो मेन्यू आपको नज़र आएगा उस पर आप जाकर ढूंढ लें, ये रहा आपका नोटपैड, इसको क्लिक करें और हमारी नोटपैड विंडो खुल जाएगी। ये हमारे सामने नोटपैड विंडो खुली हुई है। अब हम सीखेंगे विंडो को मूव करना, इसका आकार बदलना, इसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, इसे बंद करना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये विंडो जो है स्क्रीन पर हमारे इन आइकॉन्स को ढक रही है। अब अगर आप इस विंडो को यहाँ से खिसका करके किसी दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले पॉइंटर को आप ऊपर जो नीली पट्टी नज़र आ रही है इस पर रखें। ये जो नीली पट्टी है ये कहलाती है टाइटल बार, जिस पर नोटपैड लिखा है और कुछ बटन्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। इस टाइटल बार पर आप पॉइंटर को रखें और फिर माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इसे दबाकर ही रखें और दबाते हुए इसे मनचाही जगह पर आप ड्रैग करें। अब इसे आप जहाँ भी ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाना चाहें, नीचे ले जाना चाहें, आप इसे राइट हैंड साइड पर ले जाना चाहें, जहाँ भी आपकी मनचाही पोजीशन है, जहाँ से कि पीछे स्क्रीन पर कोई भी आइटम न ढका हो और आप आराम से सारी चीज़ें देख सकें, उस पोजीशन में उसे ला करके छोड़ दें। इस तरह से हम विंडो को मूव कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप जो अभी विंडो का आकार है उसको बदलना चाहते हैं, इसे या तो बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं, लंबाई में इसको आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसा भी आप आकार इसका करना चाहते हैं, उसके लिए पॉइंटर को इसके कॉर्नर्स पर ले जाएं। आकार आप चारों तरफ से बदल सकते हैं, इसकी जो सीमा रेखा है या विंडो की जो बाउंड्री बनी हुई है उस पर आप नीचे से या उसकी दोनों साइड से या फिर कोनों से कहीं पर भी जा कर के आप इसका आकार बदल सकते हैं। जब आप काम करेंगे तब तीर के निशान का एक आपको सिंबल जो है वो नज़र आएगा जिसमें दोनों तरफ तीर लगे होते हैं, वो जब आपको दिखे इसका मतलब आप तैयार हैं अब इसका आकार बदलने के लिए। अगर आप इसे साइड से बदलते हैं तो जैसे ही आपका पॉइंटर वहाँ पहुँचता है आपको तीर का निशान नज़र आए तो आप माउस का लेफ्ट बटन दबाएं और उसको ड्रैग करें। साइड से जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो केवल साइड में ही इसका आकार बढ़ेगा, नीचे नहीं बढ़ेगा। अगर आप इसको नीचे ले जाकर ड्रैग करेंगे तो केवल नीचे से ही आप उसका आकार बढ़ा सकते हैं, पर अगर आप इससे किसी भी दिशा में बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर है कि आप नीचे कोने पर अपना पॉइंटर ले जाएं और जब आपको दोनों तरफ तीर का निशान नज़र आए तब आप
लेफ्ट बटन माउस का जो है उसको दबाएं और उसे ड्रैग करें। अब इसे आप जिधर चाहे उधर छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। नीचे ड्रैग करना हो नीचे ड्रैग कर लीजिए, अगर आप इसे साइड में बढ़ाना चाहते हैं साइड में बढ़ा लीजिए। जब आपका मनचाहा आकार आपको मिल जाए तब आप बटन छोड़ दीजिए। और ये देखिए आपके सामने विंडो आपके मनचाहे आकार में आ गई है। मान लीजिए अब आप नोटपैड पर काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये छोटा है, आप इसे पूरी स्क्रीन पर फैलाना चाहते हैं। उसके लिए बिल्कुल सीधा सा तरीका है, टाइटल बार पर जाइए, तीन बटन आपको नज़र आएंगे, जो बीच का बटन है जो एक चौकोर सा बना हुआ है वो मैक्सिमाइज बटन है। इसको दबाते ही आपकी जो विंडो है वो पूरी स्क्रीन पर फैल जाएगी। अब आपकी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, पूरी स्क्रीन पर नोटपैड विंडो फैल गई। अब इस पर आप आराम से काम कर सकते हैं। अगर आप इसे वापस पुरानी स्थिति में ले जाना चाहते हैं तो बीच का जो बटन आपने पहले दबाया था वापस उसी बटन पर जाइए, ये रिस्टोर डाउन बटन है, इसको दबाते ही आपकी विंडो वापस उसी आकार में आ गई जिसमें पहले थी। अब मान लीजिए आप अस्थाई तौर पर नोटपैड विंडो को स्क्रीन पर से हटाना चाहते हैं। मान लीजिए आपको थोड़ी देर के लिए किसी और प्रोग्राम पर काम करना है और थोड़ी देर के लिए नोटपैड विंडो यहाँ से हटानी है, उसके लिए टाइटल बार पर सबसे पहला जो बटन है वो है मिनिमाइज बटन। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे ये देखिए आप पाएंगे कि स्क्रीन पर से नोटपैड विंडो गायब हो गई और वो आपके टास्क बार पर एक छोटे बटन के रूप में आ गई है, जहां से जब भी चाहें आप उसे वापस स्क्रीन पर ला सकते हैं। अब आपका स्क्रीन खाली है, जो भी प्रोग्राम आप खोलना चाहते हैं उसे आप खोलकर उस प्रोग्राम में काम कर सकते हैं, और जब आपको नोटपैड विंडो की ज़रूरत हो तब आप वापस टास्क बार पर जाएं और नोटपैड वाला बटन क्लिक करें, वापस आपकी विंडो इस तरह से खुल जाएगी। आपका मान लीजिए काम पूरा हो गया है और अब आप नोटपैड विंडो को यहाँ से हटाना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, इसे बाहर आना चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं टाइटल बार पर एक कॉर्नर में लाल बटन है जिस पर क्रॉस लगा है, यह है क्लोज बटन। जैसे ही आप इसको दबाएंगे ये विंडो बंद हो जाएगी इस तरह से। अब मान लीजिए कंप्यूटर पर आपका काम खत्म हो गया है और आप इसे बंद करना चाहते हैं, तो एक बात जरूर ध्यान रखें, कंप्यूटर को कभी सीधे स्विच ऑफ न करें, पहले विंडोज शट डाउन करें और फिर कंप्यूटर को स्विच ऑफ करें। विंडोज शट डाउन कैसे करें आइए ये सीखते हैं। विंडोज शट डाउन करने के पहले ध्यान रहे कि कोई प्रोग्राम आपका खुला ना हो, जो भी प्रोग्राम्स पर आपने काम किया है या जो खुले हैं वो टास्क बार पर इस तरह से नीचे बटन्स के रूप में आपको नज़र आ जाएंगे। इससे पहले कि आप विंडोज शट डाउन करें पहले इन प्रोग्राम्स को बंद कर दें। जैसे नोटपैड हमारा खुला हुआ है, इसको अगर हम बंद करना चाहते हैं तो पॉइंटर को नोटपैड पर ले जाएं और माउस पर राइट बटन क्लिक करें। इस छोटे से बॉक्स में आप देखें नीचे ही नीचे क्लोज बटन है, ये ऑप्शन है, इसको क्लिक करें और ये आपका नोटपैड प्रोग्राम बंद हो गया। इसी तरह से टास्क बार पर जितने भी प्रोग्राम्स खुले हों पहले उनको बंद कर लें और उसके बाद आप जाएं स्टार्ट बटन पर, इसे क्लिक करें। स्टार्ट मेन्यू आपके सामने आ गया, इसमें सबसे नीचे की तरफ जो नीली पट्टी है उस पर दो बटन हैं, एक पीला बटन और एक लाल बटन। लाल बटन कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के लिए, इसे क्लिक करें। इसके क्लिक करते ही टर्न ऑफ कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपको तीन बटन नजर आ रहे हैं, बीच का जो लाल बटन है वो है कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के लिए। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे विंडोज शट डाउन हो जाएगा और आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, इसके बाद आप इसे स्विच ऑफ कर दें। आइए अब सीखते हैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा कंप्यूटर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए आपका कंप्यूटर बार बार अटक रहा है, हैंग हो रहा है, ऐसे में आप विंडोज़ को रीस्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप पहले देख लें कि टास्क बार पर अगर कोई प्रोग्राम्स खुले हैं तो कोशिश कीजिए उन्हें बंद करने की, पर अगर आपका कंप्यूटर साथ नहीं दे रहा है और वो प्रोग्राम्स आप बंद नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधे स्टार्ट बटन पर जाएं
नीचे नीली पट्टी पर जो टर्न ऑफ कंप्यूटर है उसको क्लिक करके आप देखेंगे टर्न ऑफ कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया है। इसमें जो तीसरा बटन है हरा बटन वो रीस्टार्ट का है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे कंप्यूटर पहले तो पूरा बंद होगा और उसके बाद रीस्टार्ट हो जाएगा अपने आप, पर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। विंडोज़ एक्सपी इस अध्याय में आज हमने सीखा स्टार्ट विंडोज़, स्टार्ट बटन, विंडो को मूव करना, विंडो का आकार बदलना, विंडो को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, विंडो बंद करना, विंडोज़ शट डाउन करना और विंडोज़ को पुनः शुरू करना यानी रीस्टार्ट करना।